हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपाली किचन करिश्मा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं तवा मसाला पनीर बर्गर। बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है, तो चलिए मेरे साथ मेरी किचन में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं तवा मसाला पनीर बर्गर। इसके लिए मैंने आयरन का तवा ले लिया है। मैं गैस का फ्लेम ऑन कर रही हूँ। तवा गरम हो गया है, मैं इस पे बटर लगा रही हूँ। मैंने रफली चॉप प्याज ले लिए छोटी, एक छोटा टमाटर ले लिया है, आधी छोटी शिमला मिर्च ले ली है और थोड़ी सी मैंने पनीर ले ली है। मैंने एक बर्गर के लिए एक कली मैंने लहसुन की ली है। तो जैसे ही बटर गर्म हो जा रहा है, मैं इसमें लहसुन डाल दूंगी। देखिए बटर गरम हो गया है, लहसुन भी अपना तड़कने लगा है। अब इसमें मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। गैस का फ्लेम लो ही रखना है। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ, शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, पनीर बाद में ऐड करेंगे अपन। लहसुन प्याज टमाटर और शिमला मिर्च ऐड कर दी है। अब अपन इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर देंगे, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, हल्दी पाउडर। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें पनीर ऐड कर रही हूँ। तो 2 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे, फिर गैस का फ्लेम अपन ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए रेडी हो गया है। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। इसी तरह ही इसको 1-2 मिनट तक छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बर्गर बन ले लिया है। ये इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। अब जो अपन ने इसमें जो अपन ने वेजीज की अपनी बनाई थी, इसको अपन इसमें डाल लेंगे। बहुत ही केयरफुली डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने ये वेजीज और पनीर की ग्रेवी जो बनाई थी इसमें लगा ली है। उसके बाद अपन एक ब्रेड बन पे, एक जो बन है उस पे अपन केचप लगा देंगे। तो मैं अच्छे से इस पे केचप स्प्रेड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आप केचप खाना पसंद करते हैं, कोई भी सॉस खाना जो पसंद करते हैं, वो आप लगा सकते हैं। अब मैं इसको इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस करते हुए रख रही हूँ। अब मैं गैस पे आयरन का तवा रख रही हूँ और गैस का फ्लेम मैं ऑन कर रही हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, तवा गर्म हो गया है, इस पर मैं बटर लगा रही हूँ। बटर लग गया है, इस पर मैं एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, चुटकी चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, एक चुटकी नमक ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ये हरा धनिया कट करके रखा था, मैं ये हरा धनिया डाल रही हूँ। अब मैं ये बर्गर बन है इसको लगा देती हूँ। इसको मैं अच्छे से टोस्ट कर लूँगी दोनों साइड से। तो ये देखिए दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से टोस्ट हो गया है प्रेस करते हुए। देखिए मैं नीचे से भी दिखा देती हूँ। देखिए मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बन करके रेडी है मसाला वेज पनीर बर्गर तवे वाला। तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा जरूर मुझे कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। हाँ, फीडबैक ज़रूर देना मुझे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी न्यू एंड हेल्दी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए एंजॉय, बाय, थैंक यू।